गोरखपुर एसएसपी सुनील गुप्ता के निर्देश पर जनपद के अपराध और अपराधियों के धरपकड़ के क्रम में हरपुर बुधाट में पूर्व में हुए लूट की अंजाम से विफल वह तीन व्यक्तियों से वंचित चल रहे विवेक शुक्ला को थाना हरपुर बुधाट की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कुछ दिन पूर्व 28 जनवरी को इस सड़क व्यवसायी उमाकांत को तीन व्यक्तियों ने हैक कर ज्वेलरी से भरे बैग को लूटने की कोशिश की थी, जिसमें अपराधियों को विफलता मिली और वहीं अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को कट्टे से फायर कर घायल कर दिया था, जिसके संबंध में हरपुर बुधाट में तीन लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और लूट में मुकदमा दर्ज था। वहीं मुखबिर की सूचना पर लूट के एक आरोपी विवेक शुक्ला जो वहीं हरपुर बुधाट के परमेश्वरपुर को लौट में प्रयुक्त एक बार बोर के कट्टे और दो अदद जिंदा कारतूस के साथ वही गांव के ही समीप आज हरपुर बुधाट की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दो अपराधी अभी भी वंचित चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। इस घटना का खुलासा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में एसपी साउथ विपिन श्रीवास्तव ने किया। वहीं एसपी साउथ ने यह भी बताया कि पकड़े गए अपराधी विवेक शुक्ला पर पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे संत कवि नगर जनपद में नगर में दर्ज है। 2020 इस संबंध में एक स्वर्ण व्यवसायी को फायर करके उससे बैग छीनने का प्रयास हुआ था, लेकिन बैग नहीं ले जा पाए थे। तीन लड़कों का उसमें नाम आ रहा था, जिसको आज इसमें एक गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विवेक शुक्ला है, जो कि वही थानापुर क्षेत्र का परमेश्वरपुर गाँव का रहने वाला है। इसके दो अन्य साथी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। और ये और भी इनके आपराधिक इतिहास हैं जो संत कबीर नगर आसपास के जिलों में घूम के करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं, ये आपराधिक कृत्य ऐसे करते हैं, घूम फिर के ATM चोरी और कहीं किसी से लूटपाट करने का यही। उनके पास से कुछ बरामद हुआ है? इसके पास एक ये कट्टा बरामद हुआ है, कारतूस का 12 बोर।